गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लासेज में आपका वेलकम है। आज हम लोग लेक्चर 13 में हम लोग पढ़ेंगे एटम क्या है। एटम से रिलेटेड हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। एटम का डिफिनेशन किसने दिया, एटम की खोज कब हुई, और इस एटम से रिलेटेड बहुत सारा मॉडल हम लोग देखेंगे, जिसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ है रदरफोर्ड मॉडल। तो पहले हम लोग जानेंगे एटम क्या है, व्हाट इज एन एटम। इस एटम का आप लोग देखेंगे, एटम का ग्रीक लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है इनडिवाइजिबल। इनडिवाइजिबल एटम वर्ड का मीनिंग है इनडिवाइजिबल इन ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज में एटम का मीनिंग है इनडिवाइजिबल। इनडिवाइजिबल दैट मीन्स जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सके, फर्दर डिवाइड नहीं हो सके। 1803 में जॉन्स डाल्टन ने एटम को डिफाइन किया। थॉमसन ने भी एटम का मॉडल अपना प्रस्तुत किया था, और जॉन डाल्टन ने 1803 में एटम को डिफाइन किया। जॉन डाल्टन के अनुसार एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड इट इज इनडिवाइजिबल। अकॉर्डिंग टू जॉन्स डाल्टन एटम इज इनडिवाइजिबल, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्चेज इट इज नॉट इनडिवाइजिबल। इट इज मेड अप ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। मॉडर्न रिसर्चेज के अनुसार यह पाया गया कि एटम इनडिवाइजिबल नहीं है, यह कई मौलिक कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें तीन मौलिक कण मुख्य हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देयर आर थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम विच इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और भी हैं, मेजोन है, एंटी न्यूट्रोनो है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इनका डिस्कवरी कब हुआ और किसके द्वारा हुआ, पहले हम लोग एटम को डिफाइन कर लें। एटम क्या है अकॉर्डिंग टू जॉन्स डाल्टन। थॉमसन ने भी एटम का मॉडल प्रस्तुत किया। थॉमसन के अनुसार एटम जो है बिल्कुल वाटर मिलन की तरफ है, वाटर मिलन की तरह है। वाटर मिलन आपने देखा होगा, उसका रेड पल्प है। रेड पल्प जो वाटर मिलन में रहता है, थॉमसन ने कहा कि ये प्रोटोन है, और इसमें ब्लैक सीड्स जो रहता है उसके विषय में थॉमसन ने कहा कि ये बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन थॉमसन का मॉडल भी फेल्योर हो गया, सक्सेस नहीं हुआ। और थॉमसन के मॉडल के बाद इसके बाद से आया रदरफोर्ड मॉडल 1911 में। अब यहाँ पर हम लोग एटम को डिफाइन कर लें। अकॉर्डिंग टू जॉन्स डाल्टन 1803, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। जॉन डाल्टन के अनुसार एटम क्या है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, और इट इज इनडिवाइजिबल। जॉन डाल्टन के अनुसार इट इज इनडिवाइजिबल, इनडिवाइजिबल। जॉन डाल्टन ने बताया कि एटम इनडिवाइजिबल है, लेकिन मॉडर्न रिसर्चेज हुआ उसके अनुसार यह पाया गया कि इट इज नॉट इनडिवाइजिबल। इट इज मेड अप ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, और भी कण हैं लेकिन ये मुख्य रूप से हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कब हुआ। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉम्सन इन 1895। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपका आंसर है, आप इसे ध्यान से देखेंगे और कई बार एग्जाम में पूछा गया भी है। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉम्सन इन 1895। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन इन 1886। एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। ये एटम के पार्टिकल का डिस्कवरी किसके द्वारा हुआ और कब हुआ ये आपको बताया जा रहा है। इस एटम से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम 1911 में। 1911 में रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को प्रस्तुत किया। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग अल्फा एक्सकैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या किया, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अल्फा रेज का बम्बार्डमेंट कराया। अल्फा रेज का बम्बार्डमेंट इन्होंने कराया गोल्ड फॉयल पर। गोल्ड फॉयल पर अल्फा रेज का बम्बार्डमेंट कराया, जो कि आप देख रहे हैं अल्फा रेज। अल्फा रेज क्या है, अल्फा रेज क्या है बोलिए, पॉजिटिवली चार्ज है, हीलियम प्लस टू आयन है, ये हीलियम प्लस टू जो कि पॉजिटिवली चार्ज। हीलियम से दो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और हीलियम से दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अल्फा पार्टिकल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ये अल्फा रेज का बम्बार्डमेंट कराया गया गोल्ड फॉयल से। दिस इज गोल्ड फॉयल, ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये गोल्ड फॉयल लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आप गोल्ड फॉयल इस फिगर में आपको लिखा हुआ है गोल्ड फॉयल है। गोल्ड फॉयल को ही रदरफोर्ड ने सिलेक्ट क्यों किया, क्योंकि गोल्ड फॉयल की मेलेबिलिटी काफ़ी अधिक है, काफ़ी पतला इसका बनाया जा सकता है पत्ती, स्वर्ण पत्ती जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो बहुत पतला पत्ती फॉयल उसी का बनाया जा सकता है जिसकी मेलेबिलिटी अधिक है। तो गोल्ड मेटल की मेलेबिलिटी अधिक है इसलिए गोल्ड को उन्होंने सिलेक्ट किया। अब उन्होंने क्या किया, आप देखेंगे कि अल्फा रेज का बम्बार्डमेंट कराया इस गोल्ड फॉयल पर। तो ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ कोई भी हम मेटल पार्ट लेंगे तो उसका तीन हिस्सा होगा, अपर मिडिल एंड लोअर। तो यहाँ पर आप देखेंगे अपर पार्ट में जो रेज का प्रहार कराया गया, दीज रेज गोज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चला गया, स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ ये बढ़ा, स्ट्रेट लाइन में ये आगे की तरफ बढ़ा, आप देख रहे हैं इसे कोई रुकावट नहीं हुआ, ये देख रहे हैं आप बिल्कुल इस फिगर में। ये ग्रीन कलर का रेज जो है ये बिल्कुल सीधी रेखा में गमन कर गई यहाँ पर। अब उसके नीचे आप ब्लू कलर का रेज आप देख रहे हैं, ब्लू कलर के रेज में क्या दिखाया गया है कि जैसे हम लोग नीचे अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, मिडिल पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दीज रेज डिफ्लेक्टेड, इनका डेविएशन हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। और देखेंगे आप यहाँ पर डेविएट होके ये आउटवर्ड बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये देखेंगे आप ब्लू रेज जो कि यहाँ पर इस गोल्ड फॉयल से प्रहार करने के बाद ये यहाँ पर बाहर की तरफ निकल गया, इसका डेविएशन हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, पूर्व पथ से ये विचलित हो रहा है बाहर की तरफ। अब बीच में एक ऐसा रेज जो बीच में भेजा गया, बिल्कुल गोल्ड फॉयल के मिडिल में सेंटर में बम्बार्डमेंट कराया गया, तो ये क्या किया, रिवर्स आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे ये रेड कलर का रे बिल्कुल बाउंस कर गया रिवर्स की तरफ, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप गया और तुरंत ये अपने बैक डायरेक्शन में ये लौट गया, यहाँ पर ये लौट गया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अल्फा रेज इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और यहाँ पर ये रिपल्सन होके ये बैक में आ गया। फिर इसके नीचे हम लोग देखेंगे, ये मिडिल पार्ट के नीचे में जो देख रहे हैं, मिडिल पार्ट के जस्ट नीचे हम देख रहे हैं कि जिस रेज का बम्बार्डमेंट हमने कराया है, ये रेज क्या हो रहा है, फिर यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो रहा है, डेविएट हो रहा है आउटवर्ड की तरफ आप देख रहे हैं, इनवर्ड नहीं जा रहा है, आउटवर्ड की तरफ ये
डिफ्लेक्ट हो रहा है, और सबसे लास्ट में बॉटम में लोअर साइड में हम लोग देख रहे हैं, लोअर साइड में हम लोग देख रहे हैं कि ये रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चला गया है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया है ये बिल्कुल नीचे में। तो ऊपर में, अपर में और लोअर साइड में ये बिल्कुल स्ट्रेट वे में ये पास कर रहा है, और जब ऊपर से नीचे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपर से जस्ट मिडिल की तरफ हम बढ़ाए हैं, तो इनका ये रेज का, अल्फा रेज का क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स आउटसाइड। और ऐसा रेज जो बिल्कुल मिडिल में भेजा गया, बिल्कुल मिडिल में प्रहार कराया, ये रिवर्स बाउंस, ये यहाँ पर जाके ये तुरंत रिवर्स हो जा रहा है और नीचे फिर ऊपर की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट ने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार किया, बार बार किया। रदरफोर्ड परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट सो मेनी टाइम्स, और बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि कोई भी एटम के मध्य में, बीच में, सेंटर में क्या है, हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम, हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम, और इसका नाम उन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने इस हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का नेम क्या रखा, न्यूक्लियस। और उन्होंने कहा कि इस न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आप देखेंगे पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि ये स्ट्रेट लाइन में जो जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जो अल्फा रेज का ट्रेवल हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में ये जा रहा है आगे की तरफ, सीधी रेखा में गमन कर रहा है, इससे क्या पता चलता है कि देयर इज एन एम्प्टी स्पेस इन एटम, परमाणु में खाली जगह, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, आप देख रहे हैं, और परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, परमाणु के मध्य में, एटम के मध्य में, मिडिल में हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी सिचुएटेड है, और इसके साथ साथ ये न्यूक्लियस जो है इसका आयतन, न्यूक्लियस का वॉल्यूम इस टोटल एटम के वॉल्यूम की तुलना में काफ़ी छोटा है, दैट इज नेग्लिजिबल। न्यूक्लियस का वॉल्यूम इस एटम की तुलना में काफ़ी छोटा है, काफ़ी कम है, जिसे हम लोग नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप एटम के अंदर दो पार्ट दिखाया गया है, एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस जो कि अंदर में है, सेंटर में, दैट इज इसका न्यूक्लियस का आयतन कितना है, 10 to the power, इसका डायमीटर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितना है, 10 to the power -15 meter, जिसे हम लोग 1 fermi भी कहते हैं। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट न्यूक्लियस के बाहर जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट ऑर्बिट में क्या करता है, मूव करता रहता है, डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के बाहर। तो इस तरह रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, रदरफोर्ड ने बताया। इस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अनुसार जो कंक्लूजन है उसको आप देखेंगे, रदरफोर्ड ने कैसे इसे कंक्लूड किया आप देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, देयर इज एन एम्प्टी स्पेस इन द एटम। सेकेंड, हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी situated in the center of the atom, that is nucleus।
और थर्ड पॉइंट है कि द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन. आप देखेंगे यहाँ पर इन कंपेरिजन टू द एटम. द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द एटम. एटम की तुलना में न्यूक्लियस का जो आयतन है काफ़ी कम है. ऐसे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं इसका, इस न्यूक्लियस का जो यहाँ पर डायमीटर है 10^-15 मीटर, जिसे 1 फर्म में भी हम लोग बोलते हैं, और एटम का है 10^-10 मीटर. अब यहाँ पर ये रदरफोर्ड के द्वारा परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंट है. आप इसे कैसे लिखोगे, सबसे पहले एटम को हम लोग देखेंगे कि एटम क्या है. इन ग्रीक वर्ड, ग्रीक एटम इज ग्रीक वर्ड, और ये क्या है, ग्रीक लैंग्वेज में एटम का मीनिंग होता है इनडिवाइजेबल, दैट मीन्स विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसे हम लोग फिर से विभाजित नहीं कर सकेंगे, डिवाइड नहीं कर सके, तो इसलिए इनडिवाइजेबल इसका मीनिंग है. जॉन डाल्टन ने एटम के संबंध में बहुत सारे, कई वैज्ञानिक ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें जॉन्स डाल्टन थे, ये थॉमसन भी थे और रदरफोर्ड भी थे. तो जॉन डाल्टन के अनुसार 1803 में उन्होंने, जॉन डाल्टन ने एटम को डिफाइन किया, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन ऑल केमिकल रिएक्शन एंड इट इज इनडिवाइजेबल. जॉन डाल्टन के अनुसार ये इनडिवाइजेबल है, हार्ड है, डेंस है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. अब यहाँ पर मॉडर्न रिसर्च जो हुआ एटम के विषय में, तो मॉडर्न रिसर्च में ये बताया गया इट इज नॉट इनडिवाइजेबल, इट इज डिवाइजेबल बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ये एटम जो है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटोन से और न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटोन से और न्यूट्रॉन से. अब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे.जे. थॉमसन इन 1895, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन इन 1886 एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932. ये सभी को आप याद रखेंगे, साइंटिस्ट का नेम और ईयर, किस ईयर में डिस्कवरी हुआ. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया अपने एटॉमिक मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए, उन्होंने क्या किया, अल्फा रेज. अल्फा रेज कैसे बनता है, हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो Hc+2 ये अल्फा पार्टिकल्स के रूप में चेंज हो जाता है, और अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट इन्होंने कराया गोल्ड फॉइल पर. ये गोल्ड फॉइल को इन्होंने सिलेक्ट किया क्योंकि इसकी मेलेबिलिटी काफ़ी अधिक है, काफ़ी पतला पत्थर बनाया जा सकता. आपने देखा होगा ऑर्नामेंट्स में देखे होंगे, ऑर्नामेंट्स का जो फिनिशिंग रहता है, डिजाइन होता है, कितना स्मॉल और कितना थिन पार्ट रहता है, तो इसलिए गोल्ड की मेलेबिलिटी भी अधिक होती है, इसलिए वैसा बन सकता है. अब इन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल पर अल्फा रेज का बम्बार्डमेंट कराया. बम्बार्डमेंट कराने पर इन्होंने क्या पाया, कि अपर पार्ट में जो रेज है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में ये पास कर जा रहा है. उसके नीचे मिडिल की तरफ ये जैसे बढ़ते हैं तो अल्फा रेज का क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन टुवर्ड आउटसाइड. ये आउटसाइड क्यों जा रहा है, आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे, आउटसाइड, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स आउटसाइड, दैट मीन्स अल्फा रेज इज पॉजिटिवली चार्ज, और इसको कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चार्ज से टकरा रहा है, इसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है जिससे ये टकरा रहा है, और तभी ये क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, डेविएट हुआ है आउटसाइड में, अंदर में नहीं आया. ये इसको डेविएट भी होना था तो ये इनसाइड भी हो सकता था, लेकिन इनसाइड ये नहीं होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पर इसको पॉजिटिव चार्ज भी मिल रहा है, तो इस तरह ये डिफ्लेक्ट हो रहा है बाहर की तरफ, बिल्कुल
सेंटर में जिस रेज को इन्होंने पास कराया, बम्बार्डमेंट कराया, ये रेज जाने के बाद वहां बिल्कुल नहीं रुका और रिवर्स बैक हो जा रहा है, 100% रिपल्सन इसका हो रहा है बीच वाले रेज का। फिर उसके नीचे जस्ट इन्होंने देखा कि रेज क्या हो रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स आउटसाइड और सबसे नीचे बिल्कुल बॉटम में लोअर साइड में ये स्ट्रेट लाइन में ये पास कर रहा है रेज। इस तरह एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि देयर इज एन एम्प्टी स्पेस इन द एटम, परमाणु के अंदर खाली जगह है। हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम दैट इज द न्यूक्लियस। ये हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है ये सेंटर में है और सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होने के कारण ही ये डिफ्लेक्ट भी कर रहा है और ये 100% रिपेल भी हो रहा है। और द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द एटम। नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में काफ़ी कम है, 3 पॉइंट उन्होंने कंक्लूड किया। और यहाँ पर उन्होंने यह भी बताया कि इस न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, आपको पता भी होगा। इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज सॉरी प्रोटॉन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। फिर से ध्यान देंगे, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज यूनिट, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज यूनिट एंड न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं और ये न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है ये किसके कारण है, ड्यू टू प्रोटॉन। चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज आयन है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के कारण इसी के कारण न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पथ में मूव करते रहता है। एटम का मॉडल जो फाइनली दिया गया इनके द्वारा, आप देखेंगे एटम का मॉडल जो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया उसका आप देखेंगे कैसे यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ हो गया सेंटर न्यूक्लियस और चारों तरफ यहाँ देखेंगे ये। अब यहाँ पर जो है इस सर्कुलर ऑर्बिट पर क्या है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे आप रदरफोर्ड के द्वारा जो मॉडल प्रस्तुत किया गया, न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पथ पर इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करता हुआ पाया गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है, पी प्लस एन और यहाँ पर ये सब भी क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है, ये सभी इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एटम के मध्य में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज इन द मिडिल सेंटर ऑफ द एटम एंड इन द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ विच इज कॉल्ड ऑर्बिट, जिसके विषय में आपने पढ़ा है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल यही है और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल भी फेल्योर हो गया और रदरफोर्ड का मॉडल डिफेक्टिव पाया गया और रदरफोर्ड मॉडल जब डिफेक्टिव पाया गया तो इसका करेक्शन किया नील्स बोर ने 1913 में, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।